हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ आया हूँ, यानी कि इस लेक्चर में आज हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में समझेंगे कि ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है। इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीके बोलते हैं, ठीक, यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल की, तो सबसे पहले हम लोग इसकी मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब होता क्या है, ठीक। आपको पता है ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक या फिर पारंपरिक आप बोल सकते हैं, यानी कि जो परंपरा चलती आ रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फिर दूसरे जनरेशन से अगले जनरेशन में, यानी कि जो भी परंपराएं चलती आ रही हैं उसको क्या कहते हैं लोग, ट्रेडिशनल कहते हैं, ठीक, यानी कि परंपरागत, ठीक। तो जो परंपराएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती आती हैं उसको ट्रेडिशनल कहते हैं। अब दूसरा वर्ड आता है नॉलेज। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, ठीक, या फिर आप बोलते हैं पारंपरिक, ठीक, पारंपरिक भी बोल सकते हैं, फिर पारंपरिक बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि ट्रेडिशनल जो, यानी कि जो भी परंपरा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलती आती है, ठीक। और नेक्स्ट लेटर आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जो पारंपरिक ज्ञान होती हैं, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बढ़ती चली जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम से समझते हैं, ठीक। यानी कि जो परंपराएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होती है, वेरी करती है, आगे बढ़ती रहती है, सॉरी वेरी नहीं, आगे बढ़ती रहती है, फास्ट होती रहती है, किसके द्वारा, एक कम्युनिटी के द्वारा, एक जो है कि समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय में बढ़ता रहता है, इसको क्या कहते हैं लोग, ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, ठीक। तो शायद आपको एक कॉन्सेप्ट बना होगा कि ट्रेडिशनल क्या होता है, यानी कि पारंपरिक जो चीज़ें होती है, ठीक, जो भी परंपराएं होती हैं, ठीक, वो एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में मूव करती है, आगे बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं लोग, पारंपरिक ट्रेडिशन, यानी कि ज्ञान। जो भी ज्ञान होती है, जो भी बातें हम लोग जानते हैं, जब उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं लोग, ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि हम लोग जो भी खेती करते हैं, तो पूर्वज से खेती होती आ रही है, यानी कि किसान लोग जो किसान है वो खेती करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार से कल्टीवेशन करते हैं प्लांट का, उसी प्रकार से अगली जनरेशन भी करेगी, उसी प्रकार से अगली जनरेशन करेगी, यानी कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी वैसे वो लोग करते रहेंगे, यानी कि जैसे जैसे अभी तक किसान जो होते थे गेहूँ चावल का प्रोडक्शन करते थे, तो जो परंपरा चलती आ रही है भाई, गेहूँ का प्रोडक्शन करना है इस टाइम पे इस चीज़ का प्रोडक्शन कराना है, तो ऐसे जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसको क्या कहते हैं लोग, पारंपरिक उसे कहा जाता है, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती चली जाए। तो वहीं यही बात वही लिखी गई है, इट रेफर्स टू द नॉलेज, यानी कि यह ज्ञान को क्या करता है, बढ़ाता है, प्रेजेंट इन द एनी कम्युनिटी विच हैज़ पास्ड ओवर द मेनी जनरेशन, यानी कि जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में बढ़ती है, यानी कि जब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है, तो ये अपने नॉलेज को क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इन कम्युनिटी। इट कैन बी प्रेजेंट इन ओरल ओवर रिटन। अब जो भी ज्ञान है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको आप ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ा सकती हैं, या फिर आप इसको रिटन लिख करके लिखित रूप में आप इसको बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब भाई, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप अपने बच्चों को देंगे। अब अपने बच्चों को हो सकता है कि भाई मौखिक ही बता दे, मुख से ही बता दे कि भाई ये चीज़ ऐसे की जाती है, तो आपके बच्चे उसको कर लेंगे, या फिर आप वही चीज़ क्या कर दें, किसी नोटबुक में नोट कर दें, कहीं लिखित समझा दें, कहीं लिखित रख दें कि इस प्रकार से इस चीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है, इस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओरल या रिटन, यानी कि जो भी सूचनाएं होती है, जो भी नॉलेज होती है, जब उसको हम लोग लिखित या ओरली आगे बढ़ाते हैं तो उसको ट्रेडिशनल नॉलेज में रखा जाता है, ठीक। इंडिया इज़ द इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन विथ मोर देन 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि ये अपने सिविल को, जो भी नागरिक हैं उनको
5,000 से ज़्यादा जो हिस्ट्री है, कहानियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। यानी कि जो भी 5,000 साल से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, उनको आज भी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजने का काम करती है। तो ये रहा ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कि ट्रेडिशनल नॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। तो इट इंक्लूड, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। पहला, एग्रीकल्चर फ्रॉम ऑफ टीके, यानी कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर किया जाता है, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाना क्या कहता है एग्रीकल्चरल फ्रॉम द टीके। यानी कि भाई किसान जो होते हैं वो किसानी करते हैं, ठीक, यानी कि आम लोग भी किसान यानी कि खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, अब उस नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बढ़ाते हैं। कैसे करते हैं, यानी कि किस प्रकार से कल्टीवेशन होता है, कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, कैसे सिलेक्शन करते हैं सॉइल का, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे इरिगेशन करते हैं, कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे सीड का प्रिपरेशन करते हैं, अगर कोई डिजीज़ हुई है तो उस पर किस प्रकार का पेस्ट यूज करते। तो इस चीज़ को आगे बढ़ावा करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बढ़ा देना क्या कहलाता है एग्रीकल्चर फ्रॉम द टीके। तो इस पर यही बातें लिखी गई है, टीके प्रैक्टिस, ठीक, आर फॉलो इन क्रॉप वैरायटी, लैंड सिलेक्शन, सॉइल फर्टिलिटी, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग, सीड प्रिपरेशन, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। यानी कि जो आपका टीके है एग्रीकल्चरल फ्रॉम द टीके, तो इसमें क्या करता है कि ये जो आपका प्लांट है, कोई भी प्लांट है, क्रॉप सपोज कि कोई क्रॉप है, उसकी वैरायटी कौन सी होनी चाहिए, वो कैसे भूमि पर होंगे, सॉइल का सिलेक्शन करना कि भाई सॉइल फर्टाइल है कि स्टराइल है, उसका जानकारी प्राप्त करना, इरीगेशन करना टाइम टू टाइम, हार्वेस्टिंग कैसे होगी, सीड का कैसे प्रिपरेशन होगा, अगर कोई डिजीज लगा है तो उसको किस प्रकार से कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, और किस पेस्ट से किस डिजीज का मतलब कि कौन सी डिजीज होती है, तो उसके सारे बारे में जानना, और कौन कौन से औजार हैं, टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज में, कहने का मतलब एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल नॉलेज में, टिक पाउडिंग किस प्रकार से होती है, ये सब किस में आता है एग्रीकल्चरल फ्रॉम अप टीके। यानी कि जो पारंपरिक जो भी नॉलेज है एग्रीकल्चर की वो इसमें मौजूद होती है। सेकंड आता है टेक्निकल फ्रॉम अप टीके। दूसरा कि कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है ट्रेडिशनल नॉलेज में, पारंपरिक जो भी चीज़ें हैं उसमें टेक्निकल चीज़ें कौन सी यूज की जाती है। टेक्निकल का मतलब भाई कोई यंत्र हो गया, कोई डिवाइस हो गई, किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट्री, यानी कि यह फॉरेस्ट से, फिशेज से, एनिमल से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, अगर जो भी अगर मान लीजिए आपके पास कोई फॉरेस्ट है, कोई फिशेज का मतलब आपने कोई पॉन्ड में फिश को रुक कराया है, एनिमल्स को आपने कहीं पे रखा है, तो उनको क्या करते हैं लोग प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की दीवारों से, या तो भाई हम उनको बाउंड्री करेंगे, यहाँ पे बाउंड्री होगा, ठीक, बाउंड्री कर देते हैं हैंडलूम के माध्यम से, हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो किया जाता है फॉरेस्ट में। बट जो लोकल के एरिया होते हैं उसमें क्या करते हैं, बम्बू या नेट के द्वारा उसको क्या करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, उसको घेराव कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल टीके। मेडिसिनल टीके क्या है, यानी कि जो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो पारंपरिक यानी कि जो पहले से यूज होती आ रही है, यानी कि आयुर्वेदिक में और यूनानी में कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक, यानी कि मेडिसिनल में यानी कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो पहले से ही यूज आती होती आ रही हैं, यानी कि मेडिसिनल प्लांट जो प्रीवियस ईयर से यानी कि प्रीवियस एंशियंट वेद से यानी कि पहले ही बहुत साल से उसकी दवाइयाँ यूज की जाती है, कौन कौन से प्लांट हैं उसको इसमें बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि मेडिसिनल आप टीके। तो वही बात यहाँ पर लिखिए, इन इंडिया हैज़ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल सिस्टम हैं जो पहले से आते आ रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज में, तो उसमें दो है, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद है और यूनानी, ठीक। तो यानी कि जो ये आपका मेडिसिनल है, यानी कि ये प्लांटों से मेडिसिन प्राप्त किए जाते हैं, तो उसमें क्या है, तो ये बातें सारी बातें वेद से भी रिलेटेड है, तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में ये सब बातें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल फ्रॉम ऑफ टीके, ठीक, यानी कि जो आपका
इन्वायरमेंट है वह किस प्रकार से है उसके बारे में समझना क्या कहलाता है इकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ टीके। तो इसमें वही बात लिखी गई है, इट ऑफ वेदर प्रेडिकेशन ओआरआर फॉरकास्ट सजेस्ट फार्मर, यानी कि भाई कैसा आपका इन्वायरमेंटल है उस प्रकार से फार्मर सजेस्ट करता है, डिसीजन लेता है कि प्लांट को किस प्रकार से ग्रो कराना है, ठीक, कि प्लांट को कैसे मैनेजमेंट करना है, किस पैटर्न पे उसको लगाना है, उसकी सॉइल फिल्टरिंग किस प्रकार से उसकी कल्टीवेशन कराना है। इन हिमाचल प्रदेश पीपुल बिलीव्ड दैट इन हनी बी फ्लाई टूवर्ड्स हॉर्न टेम हिल्स, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं वो हनी बी को, ठीक, यानी जो हनी बीज होती हैं मधुमक्खियाँ होती हैं वो कैसे होती है, वो हिल्स पे पहाड़ों पे पाई जाती हैं, जो कि भाई जब रेन होता है, जब वर्षा होती है तब वो क्या करते हैं बाहर आते हैं, और ये क्या होते हैं इससे ये प्रदर्शित होता है कि भाई अब रेन होने वाली है, बरसात होने वाली है, ठीक, यानी कि भाई जो हिल पे पहाड़ों पे जो खेती होती है वहाँ पे कब बरसात होगी, तो उसका यही रीज़न है जब जो हनी बी होती जब वो बाहर आ जाते हैं, ठीक, तो इससे पता चलता है कि भाई अब रेन होगा और बरसात होगी। उसी प्रकार ये राजस्थान, जो राजस्थान के लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि अगर बटरफ्लाई यानी कि तितलियाँ हैं तो वे इंडिकेट करेगा कि जो क्रॉप है यहाँ पे अच्छी बरसात होगी और अच्छे क्रॉप उगेंगे। नेक्स्ट आता है वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम टीके, वाटर के द्वारा किस प्रकार से हार्वेस्टिंग होती है। तो आप लोग देख के इंडिया में कहीं कहीं जब कोई खेती होती है तो वहाँ पे प्लांट होते हैं तो उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है, सिंचाई होती है, सॉरी वाटर से पहले, यानी कि जो हार्वेस्टिंग होती है, ठीक, कटाई, तो वो कैसी होती है, वो कह सकती है आपकी पानियों में, यानी कि कभी कभी बरसात ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो गड्ढों में या तालाबों में होते हैं, यानी कि ऐसे स्पेस पे होते हैं जहाँ पे थोड़े से कुएँ टाइप होते हैं, तो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको किस प्रकार से बड़े किया जाता है वो वाटर हार्वेस्टिंग में आता है। तो ये पूरा बात है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में, ये छोटी सी टॉपिक थी जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, यानी कि किस प्रकार से आप ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे किया जाए ट्रेडिशनल नॉलेज को, टीके को, उसके बारे में समझना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये तो इसी टॉपिक का है पार्ट, बट हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये एक पॉइंट दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कि ट्रेडिशनल नॉलेज को किस प्रकार से आप प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि भाई अगर आपकी पारंपरिक जो चीज़ें हैं आपको पता है तो उसको आप किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक, एग्रीकल्चर की जो चीज़ें पता है, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं तो कैसे उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में समझना क्या कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी से बात करेंगे, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जो ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल नॉलेज की क्लास है ये एक ही दिन अपलोड हो जाएगी ताकि आपके कोई डाउट क्वेश्चन ना हो, यानी कि आप लोग उसके प्रोटेक्शन को भी और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी साथ में समझ सकें, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज के, यानी कि अगले क्लास में।